Hi students, welcome to JEE Main and NEET revision checklist of thermal properties of matter. इस चेकलिस्ट में आज हम कवर अप करेंगे थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री के वो सभी कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर अब तक जेई मेन या नीट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या आने वाले सालों में पूछे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट चेकलिस्ट के लिए नए हैं, मैं क्विकली उनके लिए बता देता हूं कि हमने ऑलरेडी चेकलिस्ट के सैम्पल वीडियो में समझाया कि आप अपने रिविजन के लिए चेकलिस्ट कैसे बना सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर चेकलिस्ट बहुत काम आएगी आपकी, और अपनी सैम्पल चेकलिस्ट को अपने पास प्रिजर्व रखिए। और ये जो चेकलिस्ट वीडियो हैं, ये गाइडेड चेकलिस्ट के हैं जिनमें हम वो सभी कॉन्सेप्ट को क्विकली ब्रशअप कर रहे हैं, आपके टॉपिक को थॉरली रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप अपनी चेकलिस्ट से इस चेकलिस्ट को मैप कर सकें। और थ्रू आउट ईयर स्टूडेंट्स को अपनी चेकलिस्ट बनाते रहनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स वीडियो में भी मैं ये समझा चुका हूं कि कैसे शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट पे आपके काम आते हैं। और पर्टिकुलरली जेई मेन या नीट की जो चेकलिस्ट होती है वो काफ़ी यूज होती है, जिसके लिए हमने रिकमेंड करी थी फिजिक्स गैलेक्सी की जेई मेन की प्रीवियस 18 ईयर सॉल्यूशन बुक, जिसमें सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर्स के कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस दिए गए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एग्रीगेटेड हैं, ताकि आप टॉपिक वाइज चेकलिस्ट तैयार कर सकें और सॉल्यूशंस की हेल्प से सभी कॉन्सेप्ट्स को लिस्ट अप कर सकें। और इन गाइडेड चेकलिस्ट से आप अपनी चेकलिस्ट मैप करें। अगर आपने इसी साल एग्जाम देना है और अभी तक वो चेकलिस्ट प्रिपेयर नहीं करी है, तो ये वीडियोज आपकी हेल्प करेंगे आपके क्विक रिविजन के लिए। ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ टच करूंगा जिनके ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते रहे या आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। सो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इस चेकलिस्ट में बात करेंगे टेम्परेचर स्केल्स की। हमें पता है बेसिक जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है किसी भी बॉडी या सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। चार बेसिक टेम्परेचर स्केल्स हैं जिनको यहाँ पे लिस्टअप किया गया है, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल और यूमर स्केल। इन स्केल्स का पर्पस होता है यूनिट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर का मेजरमेंट। टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में आपको पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या टेम्परेचर वो पैरामीटर है जिसको यूज़ करके हम किसी भी बॉडी या सिस्टम के पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी या एजिटेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा कि एक गैस की जो थर्मल एनर्जी होती है, जो उसकी रैंडम मोशन की एजिटेशन की एनर्जी होती है, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, जैसे हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में भी डिस्कस किया था। यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, थर्मल प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले, बहुत ज़रूरी है टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग करना और टेम्परेचर स्केल्स का कन्वर्जन, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एज अ चेकलिस्ट उस कॉन्सेप्ट को क्विक रिव्यू करते हैं। इन चारों स्केल्स के सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि आइस पॉइंट और वेपर पॉइंट क्या होता है। आइस पॉइंट यानी आइस का टेम्परेचर, जहाँ पे आइस मेल्ट होती है, वेपर पॉइंट जहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। सो आइस पॉइंट और वेपर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिनको आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो सेल्सियस स्केल के अंदर वी नो आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल में इट इज़ 273.14 केल्विन एंड 373.14 केल्विन। तो यहाँ आपको दिख रहा है जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो 100 है, यहाँ पे डिफरेंस 100 है। यानी सेल्सियस में जब हम बात करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड जो यूनिट होती है स्केल की, उसका साइज और केल्विन का साइज बराबर होता है यूनिट का, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 100 ही है। फॉरेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट और वेपर पॉइंट होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन सच सिचुएशंस। अगर र्यूमर स्केल की बात करें, तो र्यूमर स्केल में 0 र्यूमर और 80 र्यूमर, ये अपन आइस पॉइंट और वेपर पॉइंट लेते हैं। आप यहाँ फारेनहाइट और र्यूमर स्केल की बात करें, तो र्यूमर स्केल के आइस पॉइंट और वेपर पॉइंट के बीच का डिफरेंस है 80 यूनिट्स। इसी तरह फारेनहाइट का जो डिफरेंस है, आप ध्यान से देखें, 32 और 212 इनके बीच का डिफरेंस है 180 यूनिट्स। तो अगर हम यूनिट के साइज़ की बात करें, तो सेल्सियस और केल्विन स्केल के यूनिट्स का साइज़ सेम है, फॉरेनहाइट स्केल के यूनिट का साइज छोटा है, क्योंकि जो 100 यूनिट्स के बराबर है वही 180 यूनिट्स के बराबर है। उसी तरह अगर र्यूमर स्केल की यूनिट देखें, तो र्यूमर स्केल की यूनिट का साइज बड़ा है, क्योंकि ये 100 है और ये 80 है, तो पर यूनिट साइज इज मोर, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम बात करें स्केल्स का कन्वर्जन। सो कन्वर्जन रिलेशन बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको ध्यान में भी रखना है, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी रीडिंग होगी आपकी टेम्परेचर स्केल की, उसमें से आप आइस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस आइट पॉइंट, और इस वैल्यू को आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे। दैट्स इट, दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। किसी भी स्केल के लिए आप बात करें, जैसे हमारे पास सेल्सियस में रीडिंग है, उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं,
जो रीडिंग है सेल्सियस की सी माइनस आइस पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो इज इक्वल टू फॉरेनहाइट की रीडिंग अगर एफ है तो एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। इस रिलेशन को यूज़ करके आप फॉरेनहाइट एज अ फंक्शन ऑफ सी निकाल सकते हैं, सी एज अ फंक्शन ऑफ फॉरेनहाइट निकाल सकते हैं, या किसी भी टेम्परेचर स्केल को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई वी पी माइनस आइस पॉइंट को दो स्केल्स के लिए इक्वेट करना है। तो अगर किसी भी एक स्केल में हमारे पास रीडिंग है तो किसी भी दूसरे स्केल की रीडिंग निकाली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कोई फिफ्थ स्केल दे दिया जाए, अगर उसके आइस पॉइंट और वेपर पॉइंट गिवन है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। या ये भी दिया जा सकता है कि रीडिंग दे दी और हमको आइस पॉइंट दे दिया, वेपर पॉइंट निकालना, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। सो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, बेसिक पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं इसी चेकलिस्ट में, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स पे ध्यान रखना है। अगर थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में आप गलती करते हैं तो वो सिर्फ बेवकूफ़ी से हो सकती है, अदरवाइज टॉपिक इतना इजी है, स्ट्रेट फार्मूला पे बेस्ड है, कभी गलती होने के चांस नहीं है। मैं सारी वैरायटी ऑफ केसेस जो क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं उन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर चेकलिस्ट में पॉइंट्स कवर कर लूंगा, आप ध्यान से फॉलो करें। थर्मल एक्सपेंशन हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, एक बॉडी की लेंथ के एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी अगर एक बॉडी का सरफेस एरिया टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम बढ़ रहा है उसे कहा जाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो जब हम लेंथ की बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस आपको यूज करने हैं, जो डेल्टा एल यूज होगा एक्सपेंशन इन लेंथ, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हम डिफाइन करते हैं एक्सपेंशन ऑफ बॉडीज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पे उसके पार्टिकल्स की एनर्जी और वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और वो एक दूसरे पे इंटरनल स्ट्रेस बिल्ड करते हैं, और तब तक ये एक्सपेंड होती रहती है बॉडी जब तक कि उसमें स्ट्रेस जीरो नहीं हो जाता, यानी बॉडी एक्सपेंड होती है बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। सो जब लेंथ इंक्रीज होती है तो डेल्टा एल हमेशा प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर राइज होता है, और यहाँ पे साथ में हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। इस रिलेशन को ध्यान रखें, राइज इन टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल है ही, साथ ही इनिशियल लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। सो जो इंक्रीज इन लेंथ होती है वो होती है अल्फा एल डेल्टा टी। उसी तरह से आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए दिमाग में रखें जो राइज इन एरिया होता है वो होता है बीटा ए डेल्टा टी, अल्फा की जगह हम बीटा लेते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। और क्यूबिकल एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम मेंशन कर सकते हैं एज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी, जिसमें एल इनिशियल लेंथ है, ए इनिशियल एरिया और वी इनिशियल वॉल्यूम है। और यहाँ जो अल्फा बीटा गामा है इनको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अल्फा इज द स्टैंडर्ड नोटेशन यूज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी फाइनल जो लेंथ होगी उसे लिखा जा सकता है इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा एल, यानी एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल एरिया को लिखा जा सकता है इनिशियल एरिया इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, और फाइनल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी। जब हम सॉलिड बॉडीज की बात करते हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है, फॉर सॉलिड्स वी यूज बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू थ्री अल्फा, और बीटा की टर्म्स में भी आप लिखना चाहें दिस कैन बी रिटन एज थ्री बीटा बाई टू, क्योंकि सॉलिड्स का एक्सपेंशन बहुत कम होता है, और फॉर स्मॉल एक्सपेंशन फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल बॉडीज सब्सटेंसेज हमेशा बीटा को टू अल्फा गामा को थ्री अल्फा लिखा जा सकता है। कैसे, आप चाहें तो इसको वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकते हैं तो हो जाएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब, और फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के क्यूब का थ्री अंदर ले आइए, सो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब विल बिकम वन प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, दैट गिव्स यू गामा इक्वल टू 3 अल्फा। इसके साथ ही एक चीज और यहां पे काम की है, दैट इज वेरिएशन इन डेंसिटी। डेंसिटी इनवर्स फॉर्म में चलेगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वेरिएशन इन डेंसिटी विद राइज इन टेंपरेचर, अगर हम बात करें
तो राइज इन टेम्परेचर पे डेंसिटी का जो फाइनल रिलेशन होता है वो होता है इनिशियल डेंसिटी रो नॉट अपॉन 1+ गामा डेल्टा टी. इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. और जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो फॉर लिक्विड्स वी यूज ओनली गामा. अल्फा और बीटा का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. ऑल्दो लिक्विड में भी अल्फा के केसेस एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं कि अगर एक ट्यूब में लिक्विड फिलअप किया हुआ और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो लिक्विड जिस लिक्विड की हाइट जिस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से राइज हो रही है उस एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को निकालना है, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे. लेकिन जेई मेन या नीट में इस तरह के क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं. सो हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं. तो यहाँ पे हमने बात की लिक्विड्स के लिए, सॉलिड के लिए डेंसिटी रिलेशन सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये जो रिलेशन मैंने लिखा है दिस ओनली वैलिड फॉर सॉलिड्स. बाकी फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करने में यूज़ होंगे. आइए आगे केसेस की बात करते हैं. पोजी प्लीज़ बोर्ड को क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ बाउंडेड लेंथ एंड कैविटीज़. अभी हमने लीनियर सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन के रिलेशंस पढ़े थे. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिलेशन सिर्फ सॉलिड या लिक्विड बॉडीज़ के लिए वैलिड नहीं है, ऐसे पॉइंट्स के लिए भी वैलिड है जो पॉइंट्स एक सिंगल बॉडी से कनेक्टेड हैं. जनरली हम सॉलिड्स के ही बारे में बात करते हैं. लाइक हम अगर एक केस कंसिडर करें, हमारे पास एक सेमी सर्क्यूलर रॉड है, दिस इज अ हाफ रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. अगर हम इस हाफ रिंग की बात करेंगे तो इस हाफ रिंग का डायमीटर होगा, अगर आर रेडियस है तो ये डायमीटर होगा 2R. अगर हम इस हाफ रिंग पे दो पॉइंट्स बनाते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ अगर एल है, तो आप देखें यहाँ पे जो एल लेंथ है वो कॉपर की लेंथ नहीं है, लेकिन जिस मटेरियल से ये पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं वो सेम मटेरियल है कॉपर. तो इस लेंथ L या इस डायमीटर 2R पे भी आप सेम लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं. जी हाँ, आप यहां लिख सकते हैं ऑन राइज इन टेम्परेचर बाई डेल्टा T. यहां पे फाइनल L यानी AB के बीच की जो फाइनल लेंथ है उसको आप लिख सकते हैं L मल्टीप्लाइड बाई 1+ अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा T. यानी ऑल्दो ये लेंथ एल कॉपर के मटेरियल की लेंथ नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही कॉपर की बॉडी के ऊपर हैं. सो किसी भी मटेरियल में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, सेम डायमीटर पे भी लगा सकते हैं. यानी अगर हमारे पास एक सॉलिड मेटल डिस्क है, दिस अ मेटल डिस्क मेड अप ऑफ से एल्यूमिनियम. सो इस डिस्क पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए. इफ दिस लाइन इज ऑफ लेंथ एल बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, तो एल फाइनल को आप लिख सकते हैं L मल्टीप्लाइड बाई 1+ अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा T. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम कैविटी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर में एक स्फेरिकल कैविटी है, या आप मान लीजिए हम इस डिस्क की बात करें, इस डिस्क में एक होल कट किया हुआ है, दिस इज अ होल. सो इस होल के रेडियस की अगर आप बात करेंगे, इस होल के डायमीटर की बात करेंगे, इस होल के वॉल्यूम की बात करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ होल होगा फाइनली ये होगा 4/3 πr³, विच इज़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय 1+3 times अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा टी. अब ध्यान से देखिए व्हाट आई डिड. अगर एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एल्यूमिनियम है, तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट या क्यूबिकल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा 3α. तो यहाँ पे इसके पूरे कैविटी वॉल्यूम पे मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ. सॉरी, यहाँ पे हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए. यहाँ पे विल टॉक अबाउट द एरिया. सो दिस 2α एंड दिस विल बी πr². तो यहाँ पे अगर हम इस एरिया ऑफ होल की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ होल अगर फाइनल बात करेंगे तो ये होगा πr² 1+2α एल्यूमिनियम डेल्टा टी. और जो चीज़ मैंने यहाँ गलती से लिख दी थी उस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर मान लो ये एक स्फेयर है ऐसे मटेरियल का जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, उस स्फेयर में एक क्यूबिक वॉल्यूम कैविटी है विच इज ऑफ रेडियस आर, तो ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर बाई डेल्टा टी जो फाइनल कैविटी वॉल्यूम होगा यहाँ पे, सो फाइनल कैविटी वॉल्यूम को लिखा जा सकता है V final of cavity is equals to 4/3 πr³ multiplied by 1+3α delta T. आप देखें क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कैविटी है ये इसी मटेरियल से बाउंडेड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, तो जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लगा के आप बाउंडेड मटेरियल पे भी वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यानी एक क्लोज्ड कंटेनर है, भले ही कंटेनर के अंदर हवा भरी हुई है लेकिन वो कंटेनर ग्लास का है.
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंटेनर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। अब वो कंटेनर चाहे सॉलिड ग्लास भरा हुआ हो या एम्प्टी हॉलो कंटेनर हो, आप ये मान के चलिए इन बोथ कंडीशन वॉल्यूम इक्वली राइज होगा, विच विल बी गिवन बाई वी इनिशियल 1+3 अल्फा ग्लास डेल्टा टी। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, जिसके ऊपर बेस भी कई तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कई क्वेश्चंस को इस मेथड से क्विकली हैंडल किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर दिया गया जिसका वॉल्यूम वी नॉट है और टॉप तक एक लिक्विड इसमें भरा गया। अब हमें पता है इन जनरल, ये आपको ये याद भी रखना है कि गामा ऑफ लिक्विड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन गामा ऑफ सॉलिड होता है, यानी लिक्विड्स हमेशा सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। तो अगर यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया जाए बाई एन अमाउंट डेल्टा टी, तो क्या होगा? हम सब जानते हैं लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड होगा, कंटेनर कम एक्सपेंड होगा, क्योंकि कंटेनर सॉलिड से बना है, तो लिक्विड थोड़ा सा यहाँ से दोनों तरफ से ओवरफ्लो हो जाएगा। सो अगर हम ओवरफ्लो वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ओवरफ्लो वॉल्यूम, जिसे हम ये कहेंगे कि ग्लास कंटेनर के रिस्पेक्ट में, या जो भी कंटेनर है उसके रिस्पेक्ट में लिक्विड कितना एक्सपेंड हुआ, ओवरफ्लो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। और कैलकुलेशन करना ऑब्वियसली हम पहले भी पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोस में ले चुके हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लिक्विड का एक्सपेंशन होगा वी नॉट गामा एल डेल्टा टी, सॉलिड का एक्सपेंशन होगा यानी एनक्लोज कंटेनर का एक्सपेंशन होगा वी नॉट गामा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक्सपेंडेड वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस एक्सपेंडेड वॉल्यूम के कई यूटिलिटी हैं, कई तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक जो कंटेनर से लिक्विड गिरा उस लिक्विड को यहाँ पे नीचे एक वेइंग मशीन पे रखा जा सकता है, और जो भी यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप्स यहाँ पे नीचे आती हैं, आप ये मान के चलिए उन लिक्विड ड्रॉप्स का यहाँ पे हम वेट मेज़र करेंगे, और उस वेट से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर राइज कितना हुआ। एंशियंट टाइम में इस तरीके से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता था, और ये जो सिस्टम बना हुआ है इसे कहा जाता था वेट थर्मोमीटर। सो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट थर्मोमीटर, एक लिक्विड कितना कंटेनर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड हो रहा है विद ऑल द एम्पेरिकल वैल्यूज एज वेल एज जो बेंचमार्किंग लेवल्स थे कि किस टेम्परेचर पे कितना लिक्विड आता है, तो पहले से ही सेट कर देते थे। और जो यहाँ पे वेट का स्केल है, इस स्केल को ही डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कैलिब्रेट कर दिया जाता था। तो जितना लिक्विड इस पे गिरेगा हम करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है इसी चीज़ का, कि अगर कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क के ऊपर एक स्टेम लगी हुई है विच इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोमीटर, और इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास एक ये लिक्विड फिलअप किया हुआ है, और इसका जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो V नॉट है। हमें ये पता करना है कि अगर टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड कितना लेवल राइज करेगा। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कंपेयर टू कंटेनर, इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेल्टा V, ये होगा V नॉट इंटू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, अगर ये ग्लास से बना हुआ है स्टेम और ये कंटेनर। तो नाउ इन दिस सिचुएशन जब इसका लेवल राइज होगा तो इस ट्यूब का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए था तो वो इंक्रीज हो जाएगा, ए से ये ए फाइनल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं ए नॉट या जो ए इनिशियल है 1+β ऑफ ग्लास इनटू डेल्टा टी। कॉरस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पर डालें तो जो हाइट राइज हुई है, हाइट रेज, हाइट ऑफ लिक्विड रेज्ड इन थर्मोमीटर या इन द ट्यूब, अगर ये निकालते हैं तो इसको आप सिंपली डेल्टा वी डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी डेल्टा वी राइज हुआ है वो इनिशियल लेवल ऑफ ग्लास के कंपैरिजन में राइज होगा, क्योंकि नीचे वाला जो ग्लास एक्सपेंड हो रहा है उसको हमने इस फॉर्मूले में ऑलरेडी अकाउंट कर लिया। यानी अगर ये ट्यूब यहाँ से कटी हुई होती तो जितना ओवरफ्लो होता वही राइज होगा, नीचे का एक्सपेंशन ऑलरेडी इसमें अकाउंट हो गया, तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं हैंडल करना। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल सच केसेज। आइए आगे चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट अनदर पॉइंट, टेंशन इन अ क्लैम्प्ड वायर एंड अ रॉड बिटवीन टू वॉल्स, दोनों सिचुएशंस यहाँ आपको दिख रही हैं। अगर दो क्लैम्प्स के बीच में एक मेटल वायर को हमने टाइट कर रखा है या जस्ट सपोर्टेड वे के अंदर क्लैम्प कर रखा है, हमको पता है अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो इस वायर की लेंथ बढ़ेगी और इसके अंदर सैग आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो ये वायर
कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, लेकिन रिजिड क्लैंप्स हैं तो क्लैंप उसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे, तो ये टाइट होती जाएगी। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि कोई जो टाइट स्ट्रिंग्स होती हैं क्लैंप्स के बीच में, विंटर्स में, सर्दियों में, वो स्ट्रेच होती चली जाती हैं और फाइनली टूट भी जाती हैं। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस वायर के अंदर एक एफ फोर्स बिल्ड हो जाएगा, फोर्स ऑफ टेंशन, अगर टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। तो अगर टेम्परेचर को हम ये मानते हैं डेल्टा टी डाउन किया गया, तो ये जो फोर्स है या टेंशन है, ये टेंशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग यंग मॉडुलस ऑफ दिस वायर। यंग मॉडुलस को आप लिखें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाय एल, और जो डेल्टा एल कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए वो एल इलास्टिकली इलोंगेट करके कंपेंसेट किया जाता है और उससे फोर्स की वैल्यू आती है। डेरिवेशन इजीली, जैसा मैंने बताया, आप कर भी सकते हैं या कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं, हार्डली टेक्स कपल ऑफ मिनट। जो टेंशन निकल के आता है वो आता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी, जिसमें अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इस वायर के मटेरियल का, तो रिजल्ट काम का, इसलिए हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। अगर हम एक क्लैम्प्ड वायर की जगह एक रिजिड वॉल्स के बीच में एक रॉड को सपोर्ट करके रखें, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये रॉड छोटी होगी और नीचे गिर जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करते हैं, इसका ऑपोजिट केस है, तो ये एक्सपेंड होना चाहेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिजिड वॉल्स हैं, सो रिजिड वॉल्स की वजह से यहाँ क्या होगा, ये वाली रॉड इन वॉल्स पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन फोर्स डेवलप करेगी और दोनों तरफ एन बराबर ही होगा क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है, और जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, हम ये कह सकते हैं इस रॉड के अंदर इंटरनल स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए रॉड एक्सपेंड होते जाना चाहती है लेकिन वॉल्स उसको एक्सपेंड नहीं होने दे रही, तो जितना थर्मल एक्सपेंशन आएगा उतना ही इलास्टिसिटी की वजह से इसमें कंप्रेशन डेवलप होता जाएगा। सो क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, से इफ़ यू आर इंक्रीजिंग इट बाय डेल्टा टी, सो इंक्रीज इन लेंथ होगा अल्फा एल डेल्टा टी, कॉरस्पॉन्डिंगली आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से स्ट्रेस होगा एन बाई ए, यंग मॉडुलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेंथ से इक्वेट कीजिए तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है सेम वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल ऑफ दिस रॉड। रिजल्ट जरूरी हैं क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम है, इसलिए एक साथ लिए हैं। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करें, सो वी नो वेल कि एक सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है, इसकी लेंथ अगर एल है, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है 2π√ एल बाई जी। और हम अगर सेकेंड्स पेंडलम की बात करें, जो पेंडलम क्लॉक में यूज होता है, उसका टाइम पीरियड आप सबको पता है, सेकेंड्स पेंडलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। यानी जब भी ये पेंडलम हाफ ऑसिलेशन करता है, तो जो सेकेंड्स की सुई होती है, सेकेंड्स निडल होती है इन अ क्लॉक, वो 1 टिक करती है, और सेकेंड हाफ ऑसिलेशन में फिर 1 टिक करती है, इसलिए टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम अगर हम बात करें, तो सेकेंड्स पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 सेकेंड। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम सेकेंड्स पेंडुलम को ही यूज़ करें और एक क्लॉक डिज़ाइन करें। कई तरह की क्लॉक्स आजकल डिज़ाइन की जाती हैं जिनमें गियर मैकेनिज्म होता है ताकि उस टाइम पीरियड को रीएडजस्ट करके निडल के साथ कनेक्ट किया जा सके। एनीवे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉक। हमारे काम की चीज़ इस चैप्टर में ये है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। सो अगर यहाँ पे टेम्परेचर को डेल्टा टी इंक्रीज किया जाता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π√L1+α∆t/g। यानी लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, और आप रीअरेंज करके इस टी न्यू को लिख सकते हैं 2π√L/g मल्टीप्लाइड बाई 1+α∆t^2 क्योंकि अल्फा स्मॉल वेरिएशन ले रहे हैं, तो इट इज़ 1+α∆t, ये रिलेशन बनेगा, और ये हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं टी से रिप्लेस करता हूँ तो हमारे पास एक रिलेशन आता है t(new − t)/t इज इक्वल्स टू 1/2α∆t। अब ध्यान से समझिए, दिस अ वेरी यूजफुल रिलेशन, और t(new − t) है चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, इट इज़ 1/2α∆t, और इसकी अगर यूनिट्स की बात करेंगे तो आप इसको कहेंगे सेकेंड्स पर सेकेंड, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सेकेंड्स पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में इतना सेकेंड क्लॉक या तो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, सेकेंड्स पर सेकेंड फास्ट और स्लो। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि समर्स में
लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज होगी बेस्ड ऑन राइज इन टेम्परेचर. अगर लेंथ इंक्रीज होगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्लॉक विल स्लो डाउन. विंटर्स में क्लॉक विल बिकम फास्टर. सो यहाँ पे दिस सेकंड पर सेकंड फास्ट और स्लो. फास्ट होगी विंटर्स में जहाँ पे डेल्टा टी डाउन होगा, और स्लो होगी यहाँ पे समर्स में जहां पे डेल्टा टी इंक्रीज होगा. तो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं. अगर इन रिजल्ट्स के एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स देखने हैं, आप क्विकली वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाइए या एडवांस इलस्ट्रेशन सेक्शन में जाइए. बहुत सारे केसेस हैं इनमें. बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ग्रेजुएशन टेम्परेचर की डेफिनेशन. एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे क्लॉक हमेशा करेक्ट टाइम शो करती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन टेम्परेचर ऑफ क्लॉक. क्लॉक का ग्रेजुएशन टेम्परेचर अगर टी जी गिवन है, इसका मतलब एट दिस टेम्परेचर क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम. सो हम किसी भी टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो ग्रेजुएशन टेम्परेचर से उसका डिफरेंस लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा क्लॉक कितनी फास्ट या स्लो हुई है. यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, कई स्टूडेंट को ये दिया जाता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब कर दिया जाए तो क्लॉक कितनी स्लो हो जाएगी. टेम्परेचर बढ़ा है मतलब क्लॉक स्लो हो जाएगी. तो यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जो डेल्टा टी है उसको 10 ले लेते हैं. आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. 10 लिया जा सकता है लेकिन उसमें माइनर एरर्स आ सकती हैं. आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्लॉक का ग्रेजुएशन टेम्परेचर क्या है. अगर क्लॉक का ग्रेजुएशन टेम्परेचर 30 से 40 करें, ग्रेजुएशन टेम्परेचर अगर 35 है तो क्या होगा. अगर ग्रेजुएशन टेम्परेचर 35 है, इसका मतलब पहले जब हम बात करेंगे तो ये क्लॉक फास्ट चल रही थी अपने एक्चुअल टाइम से. सो एक्चुअल टाइम से कितना फास्ट चल रही थी वो आप देख सकते हैं. डेल्टा टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 35 -30 यानी 5 लेके. सो ये हमारे पास आएगा कि इनिशियली क्लॉक करेक्ट नहीं थी, वो फास्ट चल रही थी. सो हमको ये पता चल गया फास्ट चल रही थी. अब 35 से हमने 40 किया, एक्चुअली हमने टेम्परेचर को 30 से 40 किया लेकिन डेल्टा टी आप क्या लोगे, 5 लोगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा ग्रेजुएशन टेम्परेचर से लेना है. तो अब बात करना है कि क्लॉक एक्चुअल टाइम से कितना स्लो चलेगी. तो एक्चुअल टाइम से स्लो चलने के लिए यहाँ पे डेल्टा टी को आपको 5 लेना पड़ेगा, ना कि 10, अदरवाइज गलत हो जाएगा. क्योंकि आपने 10 ले लिया तो क्लॉक की इनिशियल कंडीशन से वो कितना स्लो हुई है वो कैलकुलेशन हो जाएगी. दैट इज समहाउ नॉट करेक्ट एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. सो जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कैलकुलेशन करनी है तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा. स्टिल आई सजेस्ट पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके या फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में जो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, अनसॉल्व्ड हैं, जिनके भी सॉल्यूशंस पीछे दिए गए हैं. तो वो एमसीक्यूज आप केयरफुली अटेम्प्ट कर लीजिए. दिस गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन ओवरऑल बिल्डिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है. इसके बाद हम कैलोरीमीट्री के टॉपिक्स लेंगे जहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहाँ पे हीट एक्सचेंजेस के इफेक्ट हमें डिस्कस करने विल एनालाइज. दिस एक्सपेंशन ऑफ बायमेटलिक स्ट्रिप. बायमेटलिक स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप है जिसमें दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप्स को आपस में रिवेट कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है. और यहाँ पे इनिशियल लेंथ दोनों की सेम है, जिसको हम ये कह सकते हैं एल है. और जब इस स्ट्रिप को हीटअप किया जाएगा तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग है, गिवन है फर्स्ट वाले का एक्सपेंशन दूसरे से ज़्यादा होता है. सो इन दैट केस अगर हम इस सिस्टम को हीटअप करेंगे तो क्या होगा. ऑब्वियसली लेफ्ट साइड मेटल ज़्यादा एक्सपेंड होगी, राइट साइड मेटल कम एक्सपेंड होगी, लेकिन चिपके हुए हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गेट डिटैच. सो इन दैट केस अगर ये ज़्यादा एक्सपेंड होता है कम होता है तो ये स्ट्रिप थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और ऐसी शेप ले लेगी इन दी फॉर्म ऑफ एन आर्क. आप देखें ध्यान से. सो ये वाली लेंथ L1 होगी क्योंकि जो आउटर सरफेस है इस फर्स्ट मेटल की वो फ्री है, कहीं से जुड़ी हुई नहीं है. और इसी तरह सेकेंड मेटल की जो इनर सरफेस है या ये कहीं ये L2 हो जाएगी, जो भी कहीं से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसकी लेंथ L2 हो जाएगी और इसकी लेंथ हो जाएगी L1. सो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि एक आर्क की शेप ले लेंगी ये. और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो ये आर्क बना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पे डिपेंड करेगा. सर्टेनली क्योंकि आर्क है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस ज़रूर होगा. अगर हम रेडियस की कैलकुलेशन करना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं. अगर रेडियस आर हम कंसिडर करते हैं कि इनकी जो मिडल इंटरफेस है वहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल अगर जो थिकनेस थी स्ट्रिप्स की वो टी और टी थी, तो अब ये थिकनेस हो जाएंगी T1 और T2, जिनकी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं. T1 होगी T(1+α1δt), T2 होगी T(1+α2δt). सिमिलरली लेंथ L1 और L2 भी आप निकाल सकते हैं L1+α1δt,
and L2 is L multiplied by 1 plus alpha 2 delta t. अगर values आ गई हैं तो आप directly यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो angle theta है वो inner और outer दोनों lens के लिए same है, तो यहाँ पे theta को लिखा जा सकता है L2 divided by R minus T2 and the same will be L1 divided by R minus T1. इस relation में L1, L2, T1, T2 को substitute करके आप radius की calculation कर सकते हैं. कई तरह के आपको यहाँ पे approximation लगाने पड़ सकते हैं, binomial expansion लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जो alpha है वो बहुत छोटा है, तो जब product और direct addition के relations आएंगे तो very small quantities के product को हम addition के comparison में neglect भी कर सकते हैं. इसकी calculation PG book में भी की गई है और ये चीज़ का analysis PG concept videos में भी है. so मैं यही चाहूँगा आप books को thoroughly follow करें. जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है, जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं, वो इस चेकलिस्ट से सारी की सारी चीज़ों को थॉरली रिव्यू करें. आइए आगे बढ़ते हैं. थर्मल एक्सपेंशन में तो यही टॉपिक्स हैं, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन की और यूटिलिटी कई तरह से आ जाती है, जो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से मिलके क्वेश्चंस बनेंगे. कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट भी आगे हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है. लेकिन अब पहले बिफोर गोइंग टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हमें कैलोरीमेट्रिक रिलेशंस अच्छी तरह से समझने हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हीट मिक्सिंग और मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस के आते हैं. आइए लेते हैं कैलोरीमेट्रिक पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री की. अगर कैलोरीमेट्री के बारे में टेक्निकली कहें तो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कैलोरीमेट्री कहते हैं. कैलोरीमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंज. जब दो बॉडीज़ के बीच में हीट एक्सचेंज होती है तो क्या इफेक्ट होते हैं उनकी स्टडी, जिस सिस्टम में की जाती है, जिस टॉपिक में की जाती है, उसे हम कैलोरीमेट्री कहते हैं. सो जैसे हमने थर्मल एक्सपेंशन की बात करी, किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस बॉडी में एक्सपेंशन होता है. उसी तरीके से हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस में हीट जब सप्लाई होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, तो या तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है या उसकी फेज में वेरिएशन आता है. और इन दोनों चीजों को हम डिफाइन करते हैं एक बेसिक पॉइंट के साथ, वो है स्पेसिफिक हीट और दूसरी है हमारे पास लेटेंट हीट. सो अगर हम स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की बात करें तो डेफिनेशन हमें पता है. स्पेसिफिक हीट को हम एस से डिनोट करते हैं, लेटेंट हीट को एल से डिनोट करते हैं. एल को भी दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एलवी और एलएफ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इन द सिचुएशन हम स्पेसिफिक हीट को कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो स्पेसिफिक हीट में जो हीट कैलकुलेशन की जाती है वो हम करते हैं एम एस डेल्टा टी से. और उसी तरीके से लेटेंट हीट को डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम आइदर लिक्विड टू वेपर और सॉलिड टू लिक्विड. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज होती है, क्यू इज इक्वल्स टू एम एल वी, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करते हैं, क्यू इज एम एल एफ. यानी एम मास के सब्सटेंस जिसकी लेटेंट हीट एल वी या एल एफ है, उसको मेल्ट करने में इतनी हीट चाहिए, वेपोराइज करने में इतनी हीट चाहिए. वेपोराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह से वेपोराइजेशन को डिफाइन किया जाता है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है. वेपोराइजेशन जब डिफाइन किया जाए तो वेपोराइजेशन एक तो बॉइलिंग की फॉर्म में डिफाइन करते हैं और दूसरा हम डिफाइन करते हैं इवेपोरेशन. ऑल्दो जेई मेन या नीट लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं. अगर दो बॉडीज़ को मिक्स किया है, दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है, तो एक की हीट सप्लाइड दूसरे की हीट गेन के बराबर करेंगे तो आप कंफर्टेबली मैनेज करके रिजल्ट निकाल लेंगे. एक सब्सटेंस को इवेपोरेट करना है, एम एल वी या एम एल एफ फॉर्मूले से डायरेक्टली हैंडल कर लेंगे. इवेपोरेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ऑल्दो एडवांस लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें काम आती हैं. अब इस टॉपिक को डेप्थ में हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि जेई मेन और नीट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से स्पीड बेस्ड अगर आपकी कैलकुलेशन है तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ ये तीन ही फॉर्मूले काम आते हैं. एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, लेकिन इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इट कैन टेक प्लेस एट एवरी टेम्परेचर. इस बात को ध्यान में रखें कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जैसे फर्श पे
पानी फैला हुआ है तो जो भी रूम टेम्परेचर है उस पर वो पानी इवेपोरेट होके वेपोराइज हो जाएगा। अगर आप कपड़े धो के सुखाते हैं तो कपड़ों का भी जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होता है, सनलाइट में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है लेकिन वो इवेपोरेट होके कपड़े सूख जाते हैं। सो इवेपोरेशन में हम ये बात करते हैं कि हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन पॉसिबल है, बट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग जब होगी तो पूरा का पूरा लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम होती है। बॉइलिंग को आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं दिस इज मैक्सिमम इवेपोरेशन रेट, क्योंकि जब इवेपोरेशन होती है तो इन केस ऑफ इवेपोरेशन हम ये कह सकते हैं वो धीरे धीरे वेपर में लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, बट बॉइलिंग में फास्टेस्ट रेट के ऊपर कन्वर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस का वेपर प्रेशर है, जिस लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा है उसकी सरफेस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लगातार लिक्विड पार्टिकल्स एस्केप करते रहते हैं। वेयर एज इन इवेपोरेशन ड्यू टू प्रोबेबिलिटी देर आर सम पार्टिकल्स जो कि एस्केप कर पाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है बट बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम रेट होती है। बट इन बोथ द कंडीशंस आपके लिए ये फॉर्मूला ज़रूर वर्क करेगा, या ये कहें कि जब भी कैलकुलेशन करनी हो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन की तो आप हमेशा MLV यूज़ करेंगे, हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन विल रिमेन सेम। इसी तरह से अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो लिक्विड फ्रीज जो होता है वो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, लेकिन यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑल्दो JEE Main या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम फ्रीजिंग की बात करते हैं तो फ्रीजिंग में एक तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है दिस फ्रीजिंग पॉइंट, और एक कॉन्सेप्ट और फ्रीजिंग में हम यूज़ करते हैं विच वी कॉल सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग इज़ अ स्टेट जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी लिक्विड को फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी लिक्विड रखा जा सकता है एट वेरी हाई प्रेशर। आप चाहें तो किसी भी बॉटल में एक लिक्विड को फिलअप कीजिए और बहुत टाइट करके डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, आप देखिए काफ़ी लो टेम्परेचर पे भी क्योंकि वो क्लोज पैक्ड है इन दैट कंडीशन जो अंदर वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे थोड़ा हिलाएंगे वो फ्रीज हो जाएगी। यानी सुपर कूलिंग स्टेट में अगर थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब करते हैं किसी लिक्विड को तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड इन दैट केस ऑल्सो जो फ्रीजिंग अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, अगर लिक्विड फ्रीज हो रहा है तो हीट रिलीज होगी, फ्रीज किया हुआ लिक्विड मेल्ट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, दोनों केस में जो कैलकुलेशन होगी वो इसी फॉर्मूले से होगी। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कहीं पे भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद फिर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, मेल्ट होगा या बॉयल होगा। बस मैं यहाँ पर केयरफुली ये बता देता हूँ आपको कि इवेपोरेशन का केस और सुपर कूलिंग का केस अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड आप कंसीडर नहीं करेंगे, JEE Main नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कॉन्सेप्चुअली आपको आइडिया होना चाहिए इसलिए लिया है, क्वेश्चन में अगर कहीं हिंट दिख जाता है क्योंकि JEE एडवांस में आ चुके हैं, पहले जब एम्स का पेपर अलग होता था तब भी इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, सो आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि बाई चांस अगर कभी जैसे एडवांस के क्वेश्चन मेन में दोबारा पूछ ले जाते हैं, मेन के क्वेश्चन नीट में पूछ ले जाते हैं, एम्स के भी पुराने कुछ क्वेश्चन नीट में रिपीट हुए हैं, सो उस लेवल पे प्रिपेयर्ड रहने के लिए ज़रूरी था कि आपको मैं एज ए चेकलिस्ट कॉन्सेप्ट आपको आइडिया दे दूँ। कैलोरीमेट्री में बहुत सारे केसेस और एग्जांपल्स हैं, आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके उन केसेस और एग्जांपल्स को रिव्यू कर सकते हैं विच गिव्स यू द होल आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ कैलोरीमेट्री, कितनी वेराइटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इन्हीं तीन फॉर्मूला से लिंक्ड होंगे और कुछ भी नहीं होगा। सो माई डियर स्टूडेंट, यहाँ हम इस थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की चेकलिस्ट को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चेकलिस्ट में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम मेनली बात करेंगे थर्मल कंडक्शन और रेडिएशन की, जिस पे कई तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम में भी पॉसिबिलिटी है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। सो फॉर नाउ अबाउट द टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वी कंक्लूड हियर, विश यू ऑल द बेस्ट।